Good morning, children, class 5. I hope you all are doing well. We started with the lesson number 5, that is face safety and first aid. Now I have completed till page number. I finished the first page, that is page number 62. We talked about the safety that is that can be taken when there is fire. Okay. Now see, when there is a short circuit, then how the safety can be taken. Okay, now if we have fire due to gas leakage, now if there is gas leakage, we should open the doors and windows. If we have kerosene, stove should be placed on the floor. Combustible substance like kerosene, petrol, oil should not be kept near cooking gas stove. ठीक है, तो ये सब सब को हमको पास में नहीं रखना चाहिए. Never throw water over fire caused by electricity. Now children should not be allowed to play with fire. ये सब बच्चों को नहीं देना चाहिए. If somebody's clothes catch fire, then वहाँ से let him or her not run. उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने से क्या होगा, एयर जो है एयर से फ्लेम बढ़ जाता है, एयर से फ्लेम की स्पीड बढ़ जाते हैं. तो ट्राई नॉट टू रन. द इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली. नाउ वेयर कॉटन क्लोथ्स वाइल कुकिंग. चिल्ड्रेन शुड नॉट बी यूजिंग फायर क्रैकर्स. अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एल्डर्स के होना ज़रूरी है. गैस पाइप शुड बी रिप्लेस्ड इन टाइम. ओके, गैस पाइप्स को भी रिप्लेस करना चाहिए टाइम टू टाइम. नाउ कैसे हमें फायर को बुझाना है. अगर वो फायर पेट्रोल से हुआ है तो इट शुड बी पुट डाउन, लाइक वी शुड बी यूजिंग सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर. सैंड हमें यूज़ करना चाहिए वाटर के बदले. ना स्मॉल फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड. अगर छोटे मोटे फायर्स हैं तो वो भी सैंड से आप दूर कर सकते हो. स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए ताकि अगर बिग फायर्स हो जाए. ओके, नाउ आई ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट इफ समवन कैचेस फायर मेक्स हिम रोल ऑन द फ्लोर. उसे रोल करना चाहिए ब्लैंकेट फैन के. एंड फाइनली अगर कोई मैसिव फायर है तो हमें फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए. नाउ वी ऑल्सो गिव यू आई ऑल्सो गिव यू सम वर्क. देयर इज़ अ फिल इन द ब्लैंक. सी इन द नेक्स्ट पेज आई मेड यू सॉल्व इट. आई होप यू रोट इट डाउन इन योर साइंस कॉपी नोटबुक. Now today we are going to start with first aid. Now what is first aid? First aid is a most careful and when we are careful, accident must do happen. Okay, right? Accidents ho hi jate hain. To use prevent karne ke liye hame apne paas ek first aid rakhna chahiye. First aid se kya hota hai ki aap apne aap ko hal kar sakte ho. Okay? So there are things you should be you can do to help the person even before a doctor can see you. अगर डॉक्टर के पास को आने में वक्त है तो आप फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट एड में क्या क्या ज़रूरी है. नाउ सी, क्या क्या मतलब हेल्पिंग मेथड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो. अ फ्रैक्चर मीन्स दैट अ बोन इन अ बॉडी हैज़ ब्रोकन और क्रैक. द इंजर्ड पार्ट बिकम स्वॉलन एंड पेनफुल. तो फ्रैक्चर जब होता है हमें तो क्या होता है, पूरा हमारा बॉडी स्वॉलन हो जाता है. राइट, द इंजर्ड पार्ट बिकम स्वॉलन. जहाँ पे चोट लगा है वो स्वॉलन और पेनफुल होने लगता है. एंड नीड्स टू बी सपोर्टेड. बी वेरी जेंटल वाइल हेल्पिंग अ पर्सन विथ फ्रैक्चर. ना जिसे फ्रैक्चर हुआ है, डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट. फ्रैक्चर के पार्ट को मूव ना करें, बिकॉज इससे मोर इंजरी हो सकती है, इंटरनल इंजरी. ऑलवेज गिव इट गुड सपोर्ट बिफोर मूविंग इट. तो मूविंग करने से पहले उसको एक सपोर्ट दें ताकि वो मूव कर सके अपने फ्रैक्चर को, जो पॉइंट है, जॉइंट है. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ना इफ देर इज़ अ फ्रैक्चर इन द लेग. ना लेग में फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना चाहिए. सपोर्ट अ ब्रोकन बोन बाई ट्राइंग अ स्प्लिंट और टू लॉन्ग स्टिक्स अराउंड द फ्रैक्चर. ना फ्रैक्चर के पास हमें दो लंबे स्टिक्स को लगाने चाहिए ताकि वो इरेक्ट रहे. ओके, सपोर्ट बना रहे. द सपोर्ट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कीप द ब्रोकन बोन इन द नॉर्मल पोजिशन. नॉर्मल पोजिशन तक उसको बनाए रखने के लिए वहाँ पे बोन्स का वहाँ पे स्टिक का रहना ज़रूरी है. एंड कीप द वेट ऑफ द ब्रोकन पार्ट. ओके, ना कोई भी भारी सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है. वंस द ब्रोकन पार्ट इज़ वेल सपोर्टेड. अगर वो ब्रोकन पार्ट को अगर प्रॉपरली सपोर्ट हो गया, उसे प्रॉपरली सपोर्ट मिल गया, देन उसे हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाएँ. ओके, प्लीज़ टर्न टू द नेक्स्ट पेज. ओके, उसे हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाएं ताकि उसका वुंड एग्जामिन कर सके डॉक्टर. ओके, ना वो लोग एक्सरे लेंगे. ओके, राइट, एक्सरे लेंगे. द एक्सरे विल शो द डॉक्टर इफ़ द बोन इज़ ब्रोकन. ना एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि बोन वाकई ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, क्या कितना ब्रेकअप हुआ है, कितना डीप हुआ है और इसका इफेक्ट कितना दिन तक रहेगा. इफ़ इट इज़ ब्रोकन इट देन इट विल हैव टू बी पुट इन अ प्लास्टर. और अगर वाकई फ्रैक्चर ब्रोकअप हो गया है, फ्रैक्चर मतलब अगर लेग्स ब्रेक हो गया है,
तो प्लास्टर लगता है जो काफ़ी टाइम लगता है उसको ठीक करने में. ओके, ना ये तो था फर्स्ट एड, जो हमें मेजर्स लेने चाहिए थे फर्स्ट एड मेजर्स अगर जब फ्रैक्चर होते हैं किसी को. ना हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड मेजर्स इन केस ऑफ स्प्रेन. ना स्प्रेन जब होता है तब क्या करना चाहिए. स्प्रेन क्या होता है, जब भी कोई जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है बाय मिस्टेक या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. कभी कभी होता है आप चल रहे हो अचानक से आपका पैर स्लिप कर गया और वहाँ पर आपका जो है जॉइंट ट्विस्ट हो गया, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है ना, तो ये स्वेलिंग को स्प्रेन कहते हैं हम लोग. ये ट्विस्टिंग को स्प्रेन कहते हैं जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ओके, ना वहाँ पे जब आपका ट्विस्ट हो जाता है वो जॉइंट, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आइस पैक लगाना चाहिए ताकि स्वेलिंग ना हो. यूज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम, एक क्रीम रखनी चाहिए आपको जो जिससे जलन कम हो. एंड होल्ड द जॉइंट टाइटली इन अ क्रीप बैंडेज, और क्रीप बैंडेज यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जॉइंट प्रॉपरली टाइटन हो. ओके, ना अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न्स. ना जब बर्न्स लगेगा आपको, जब हाथ जल गया या आँख जल गया या कुछ भी हो गया, जब सीवियर जल गया, तब क्या करना चाहिए. कूल द बर्न इमिडिएटली अंडर कोल्ड रनिंग वाटर एंड पुट इट इन अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर. ठीक है, तो जहाँ पे जल गया वहाँ पे ठंडा पानी लेके आना है. पुट इट इन अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर, बकेट में कोल्ड वाटर करके अपने हाथ या पैर को रखे जहाँ पे जल गए हैं. सम पीपल बिलीव दैट इट इज़ गुड टू पुट थिंग्स लाइक ऑयल, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. कुछ लोगों को लगता है कि जब बर्न होता है तो हमें टूथपेस्ट या ऑयल यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्लीन कोल्ड वाटर इज़ द क्लीनेस्ट एंड द बेस्ट. लेकिन क्लीन कोल्ड वाटर जो है वो सबसे बेस्टेस्ट है, बेस्टेस्ट तरीका है जिससे हम लोग बर्न्स को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. ओके, Now, if blisters form, do not break them. They will subside by themselves in a few days. If you break them, germs can get in and cause infection. अगर वहाँ पे blisters आ गया, do not break them. अगर वहाँ पे फूलन हो गई तो उसे जैसे अगर जलन जैसे फूलन नहीं सॉरी जैसे जल गया और वहाँ पे अगर blister आ गए, blister मतलब कि फूल जाता है skin जो है ना, ऐसा लगता है कि अंदर पानी आ गया और वो skin फूल गया, inflate हो गया, तो उसको ब्रेक कभी ना करें, उसको कभी भी ना फोड़े. दे विल सबसाइड बाय देमसेल्व्स इन अ फ्यू डेज. वो कुछ ही दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा. इफ़ यू ब्रेक देम, लेकिन अगर आप उसे ब्रेक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, जर्म्स बाहर आ जाएंगे और इससे इन्फेक्शन हो सकता है, और ये जो है वो पूरे बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है. जाहिर है जहाँ जहाँ पे आप छूइएगा वहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन होगी. आफ्टर वॉशिंग द बर्न कवर इट विथ क्लीन बैंडेज. ना जब आप बर्न को धो दें तो उसको क्लीन बैंडेज से साफ करें, और अ क्लोथ कॉटन क्लोथ एंड इमिजिएटली विजिट अ डॉक्टर, और डॉक्टर को विजिट करें. ओके, नाउ सीरियस बर्न मीन्स अ बर्न ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी और एनी बर्न दैट एक्सपोजेज रेड फ्लैश अंडर द स्किन. इन सच केसेस टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर इमिजिएटली. ओके, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास इमिजिएटली पेशेंट को ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियस बर्न हो गया तो पूरे बॉडी में अगर आपके जलन हो गए, किसी भी प्रकार की परेशानी हो गई, तो उसको हम लोग को जिसमें आपका पूरा अंदर का फ्लैश दिख रहा है, अंदर के स्किन के अंदर का सारा फ्लैश दिख रहा है, तो हमको इस केस में प्रॉपरली डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए. ना लास्ट वन इज़ द फर्स्ट एड इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड्स. ना जब कट या वुंड हो जाता तब क्या करना चाहिए, तो उसे वॉश करना चाहिए वुंड को, अपने ज़ख्म को साफ रखना चाहिए विद क्लीन वाटर. इफ़ द वुंड और द सराउंडिंग एरिया इज़ डर्टी, इफ़ द वुंड केम फ्रॉम अ बाइट और अ डर्टी ऑब्जेक्ट, यूज़ सोप. तो अगर सोप यूज़ करना चाहिए, अगर वही कोई इंसेक्ट बाइट हुआ या कोई गंदी ऑब्जेक्ट हो से हुआ है तो सोप से उसे साफ करना चाहिए. ओके, तो देर आर वेरियस मेथड जिससे हम लोगों को अपने आप को क्लीन और टाइडी रखना चाहिए. कोई भी इंसिडेंट्स कोई भी एक्सीडेंट्स हो तो क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. ओके, कवर द वुंड विद अ क्लीन क्लोथ और बैंडेज. तो बैंडेज से कवर करना चाहिए. इफ़ अ वुंड स्टार्ट्स टू गेट अ लॉट ऑफ पस. ना कभी कभी बहुत सारे पस आने लगते हैं वुंड में, जहाँ पे वो एरिया रेड हो जाते हैं, तो देन शो इट टू द डॉक्टर. द डॉक्टर विल ट्रीट द वुंड टू गेट रिड ऑफ द जर्म्स. तो डॉक्टर उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे कि जर्म्स हमारे बॉडी में फैले नहीं. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जर्म्स जब होते हैं, कट्स या वुंड्स जब होते हैं, जब आपको कट्स या वुंड्स होते हैं, टाइमली एड अगर आप उसको कीजिएगा, अगर आप उसको प्रॉपरली केयर कीजिएगा, जैसे कट्स और वुंड्स हो गए, तो उससे आप क्या करोगे, आप जर्म्स को प्रिवेंट कर सकते हो सेप्टिक होने से. सेप्टिक होता है इन्फेक्शन फैलना. ओके,
तो नो वुंड शुड एवर गेट बी नेग्लेक्टेड, कोई भी किसी भी तरह का ज़ख्म को नेग्लेक्ट नहीं किया कीजिए, क्योंकि उससे आपके बॉडी में जर्म्स एंटर करेगा और अंदर का जो है ब्लड वो बाहर आएगा. ओके, तो ट्राई नॉट टू डू दैट, ट्राई टू क्लीन योर वुंड एंड कवर इट विद अ प्रॉपर बैंडेड. ओके, नाउ सी द फॉलोइंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू अ वुंडेड पर्सन. जब भी किसी वुंडेड पर्सन का फर्स्ट एड दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसका ठीक कर रहे हो ज़ख्म, तो मेक श्योर कि आप अपना हाथ धोएं और फर्स्ट एड करने के बाद भी धोएं. वॉश द एरिया विथ वाटर, वहाँ पे वो पानी से उस एरिया को साफ करें. डैब विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करें, जैसे डिटॉल, सैवलन, ठीक है, और कॉटन यूज़ करें. कवर द वुंड विद अ बैंडेज टू प्रिवेंट जर्म्स, और फिर उस वुंड को बैंडेज करें ताकि जर्म्स एंटर नहीं करें और ब्लीड नहीं हो. ब्लीड होगा तो ब्लड भी वेस्ट होगा. इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टाई टाइट बैंडेज. नाउ बाद में अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तो टाइट बैंडेज यूज़ करें, क्योंकि इससे ब्लड वेस्ट होता है. टेक द हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर. ओके, लेट द विक्टिम लाई डाउन एंड रेज द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द हायर लेवल. ना उसे सुला दें, ठीक है, और वो उसे मेंटली फ्री कर दें ताकि वो घबराए नहीं. ओके, वंस ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम. जैसे ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं उस जगह पे. इफ़ द स्किन इज़ कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, ना अगर स्किन किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है, अगर वुंड किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट से हुआ, रस्टेड क्या होता है, आयरन में रस्ट लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट इसमें जंग लगा है ऑलरेडी, उससे आपको अगर कट गया है या छिल गया है, तो उस केस में जर्म्स एंटर ज़रूर करता है और टेटनस फैलाता है. ओके, टेटनस इन्फेक्शन फैलाता है. ओके, तो मेक श्योर ये नहीं हो, तो इसके लिए हमें टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए. अ वेरी डीप वुंड मे रिक्वायर स्टिचेस, बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म होगा तो उससे हम लोगों को क्या होगा, स्टिचेस लेने पड़ेंगे, राइट. तो हमें एंटी टेटनस इंजेक्शन लेने चाहिए इस केस में, ताकि हम डिजीज़ को बढ़ने से रोकें, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकें. ओके ओके चिल्ड्रन, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बट टिल नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ नोट डाउन व्हाट फर्स्ट एड मेजर्स शुड बी टेकन, सो दैट वी कैन हैंडल द सीरियस इंसिडेंट्स एंड द एक्सीडेंट्स एट होम और व्हेन द डॉक्टर हैजंट कम येट. ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. We'll meet in the next class. Thank you.